किसी प्रकार का लोकतंत्र में लाठीचार्ज वगैरह दुखद है। यहाँ पर जो सरकार है नीतीश जी की, सरकार का एक कैरेक्टर रहा है, कोई भी आता है लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने, तो सरकार लाठीचार्ज को सबसे आसान जरिया मानती है। जो पूरा हल्ला हंगामा हुआ वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर हुआ है, और मुझे लगता है कि इसके लिए सरकार का दोष इतना ही है कि उन्होंने समय रहते लिखित में उसको क्लियर नहीं किया। सरकार की लापरवाही की वजह से ये सारी परेशानी हुई, क्योंकि सरकार को वो करना ही नहीं था। सरकार अभी क्लैरिफाई कर चुकी है कि हमें नॉर्मलाइज नहीं करना था। सरकार की जो कार्यशैली है, किसी बात को समय रहते क्लियर न करना, कोई आ गया डिमांड करने तो उस पर लाठीचार्ज करना या उसको उससे बातचीत न करना, तो दुखद है, नहीं होना चाहिए। देखिए, पहले तो किसी प्रकार का लोकतंत्र में लाठीचार्ज वगैरह दुखद है, लेकिन यहाँ पर जो सरकार है नीतीश जी की, इस सरकार का एक कैरेक्टर रहा है, कोई भी आता है लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने, तो सरकार लाठीचार्ज को सबसे आसान जरिया मानती है। तो लाठीचार्ज की तो एकदम बिल्कुल निंदा करते हैं, नहीं होना चाहिए, और अगर किसी ने किया है, कोई अधिकारी दोषी है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बच्चे को मुझे बताया गया है कि चोट लगी है, वो हॉस्पिटल में है, हम लोग अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो वहाँ मदद हो सकती है, शायद उनका पैर टूट गया है। जहाँ तक विषय की बात है, तो जो पूरा हल्ला हंगामा हुआ वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर हुआ है, और मुझे लगता है कि इसके लिए सरकार का दोष इतना ही है कि उन्होंने समय रहते लिखित में उसको क्लियर नहीं किया। क्योंकि कल तो सरकार ने, अब जब हंगामा होने के बाद बता रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एग्जाम एक ही पेपर से होगा या कोई इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं, तो मामला वो खत्म है। तो ये दिखाता है कि सरकार की लापरवाही की वजह से ये सारी परेशानी हुई, क्योंकि सरकार को वो करना ही नहीं था। सरकार अभी क्लैरिफाई कर चुकी है कि हमें नॉर्मलाइज नहीं करना था, नहीं करना है, एग्जाम एक ही शिफ्ट में होगा, एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, तो ऐसा सच कोई मामला नहीं है। लेकिन कल जो बात हुई वो सरकार की जो कार्यशैली है, किसी बात को समय रहते क्लियर न करना, कोई आ गया डिमांड करने तो उस पर लाठीचार्ज करना या उसको उससे बातचीत न करना, तो दुखद है, नहीं होना चाहिए। लेकिन दो मांगे हैं अभ्यर्थी की, एक मांग तो थी सर्वरों की, सर्वर को वापस से आप रीओपन। नहीं देखिए, वो सर्वर की मांग नहीं है, अभ्यर्थियों की, कुछ अभ्यर्थियों की शायद, जहाँ मुझे मेरी जो समझ बनी है कि वो ये चाहते हैं कि फॉर्म भरने के लिए डेट को और एक्सटेंड किया जाए। सरकार का ऐसा कहना है कि पहले ही एक बार डेट एक्सटेंड किया जा चुका है 20-22 दिनों के लिए, तो मुझे लग रहा है कि ज्यादातर लोगों को चूंकि एक बार अवसर दे दिया गया है, तो फिर से अब उसका डेट एक्सटेंड करना नहीं करना वो सरकार का निर्णय है, कि सरकार करे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी वजह से सरकार नहीं करना चाह रही है, क्योंकि लॉजिस्टिकली कई चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विद्यार्थियों पर या समाज के किसी वर्ग के बात पर, प्रोटेस्ट पर, उनके लोकतांत्रिक अधिकार पर लाठीचार्ज कराना वो एक तरह से गलत है, और ये हुआ इसलिए कि सरकार ने समय रहते हुए अपनी स्थिति को उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। अगर उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया होता तो बच्चे यहाँ जमा नहीं होते, ये लाठीचार्ज जैसी कोई गलत काम हुआ नहीं होता। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर कांग्रेस नहीं लीड कर सकती है तो टीएमसी की जो लीडर है ममता बनर्जी, वो इंडिया ब्लॉक को लीड करेंगी। भाई ममता जी सीनियर लीडर हैं, वो इंडिया कोलिशन वाले लीडर वाले जाने कि कौन लीड करेगा कौन नहीं करेगा, हम उस पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं। कोई भी जो गठबंधन है, कोई गठबंधन या कोई कोलिशन है, ये उनका इंटरनल मामला है कि वो उसको कौन लीड करेगा। जहां तक हम लोग जानते हैं कि इंडिया अलायंस को कोई ऐसा कोई एक व्यक्ति या दल तो कोई लीड कर नहीं रहा था। अभी जो जब पिछले 1.5-2 बरस से जब से इंडिया अलायंस बना है, उसमें कोई एक व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया है कि कोई संयोजक के तौर पे। आप लोगों ने तो देखा, नीतीश कुमार उस गठबंधन में थे, संयोजक बनने गए थे, लोगों ने इनको बनाया नहीं तो बेचारे रूठ के फिर वापस चले आए। तो इंडिया गठबंधन का कोई संयोजक अभी तो है नहीं। बाई डिफॉल्ट कांग्रेस चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस के नेतागण उसको चलाते हुए दिखते हैं। तो ममता बनर्जी जी ने अगर मांग रखी है तो इंडिया गठबंधन का मामला है, हम लोग उस पर क्या कह सकते हैं। चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो, अडानी वाले प्रोटेस्ट पे पार्लियामेंट में उन्होंने साथ नहीं दिया। अब देखिए, ये राजा ने कहा कि मेरे भाई ऐसा है, ये उनका मामला है, इस पे प्रशांत किशोर की कोई टिप्पणी नहीं है। आप बिहार से संबंधित अगर कोई सवाल है तो कीजिए, वो इंडिया गठबंधन में कौन किसके साथ है, कौन लीड करेगा नहीं करेगा, पार्लियामेंट्री फ्लोर पे उनका कोऑर्डिनेशन और लैक ऑफ फिट का जो मामला है, उसमें हमारी कोई टिप्पणी नहीं। ममता बनर्जी नीतीश कुमार को फिर लाने में कामयाब हो पाएंगी क्या भैया? ये जाके अरे भैया, नीतीश कुमार खुद नहीं जानते हैं कहाँ रहना है, ममता बनर्जी उनको क्या लायक है। महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है एनडीए की, कैसे देखते हैं इस फैसले को, जैसा मैंडेट मिला है महाराष्ट्र में?
भाई हरियाणा और महाराष्ट्र ये दिखाता है कि जो लोग भी विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, जो भाजपा को हराना चाहते हैं, उनको लंबी और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।